फ्यूचर में तो मैं एक ही सपना है बचपन से आज तक, ओलंपिक, ओलंपिक में खेलना है और हमारा देश के लिए मेडल लेना है, गोल्ड मेडल। କିଟ୍ରେ କାମ କରୁଛି, 7-8 ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଉଛି ଆଉ। ସେଇ ପଇସାରୁ ସବୁ ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ଚଳିଯାଉଛି, ସେଇ ପଇସାରୁ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଉଛି, ସେଇ ପଇସାରୁ ଖାଉଛି, ସେଇ ପଇସାରୁ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରୁଛି, ସେଇ ପଇସାରୁ ସବୁ କିଛି କରୁଛି। ଯିଏ ତ କରିଛି ଗୋଟେ ଥର କହିଦେବ ମୁଁ ଅମ କରି ସମ କରି, ସିଏ କହିବ ମୁଁ ନେଇଯିବି ତାକୁ ଉଠେଇବି, ଏମିତି କହିକିରି କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତିନି, ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। स्पोर्ट्स हॉस्टल भुवनेश्वर गवर्नमेंट हॉस्टल, वहाँ पे मैं 10 साल रुका और उन्होंने बोले कि हम तुम्हें बाहर लेके जाएंगे और ट्रेनिंग दिलवाएंगे और वगैरह वगैरह, और लेकिन कुछ भी नहीं किए। 10 साल पहले मैं उम्मीद था कि गवर्नमेंट ये सब करेगा और हेल्प करेगा, और अभी तो नहीं है उनका। अब यहाँ पर जब प्रैक्टिस शुरू किया मैंने स्कूल में, हमारे जो सारे आनंद चंद्र दास, उन्होंने मुझे वो पार्टिसिपेट करने के लिए अलग अलग स्कूल और मैराथन के लिए लेके जाए, लेके गए और ट्रेनिंग अभी दे रहे हैं। बुधिया में बहुत सारा एनर्जी है, बहुत सारा पोटेंशियल है, मैं उसको लेके जाता हूँ, रोड रनिंग लेके जाता हूँ, स्पीड वर्क करता हूँ, उसका स्पीड वर्क जो है डेवलप करता हूँ, रोड रनिंग भी अच्छा करते हैं, 15-20 किलोमीटर तक लेके जाता हूँ, और हिल ट्रेनिंग लेता हूँ ताकि उसका जो है अंदर जो है ना पोटेंशियल जो उसके भरा है, पूरा भर के रखा है उसे, वो निकल ले। एक बार निकल जाएगा तो वो कर लेगा कुछ, लेकिन अभी जो है, अभी जो वो कर रहा है, मैं उसको गाइड कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि मैं उसका कोच हूँ। एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर उसको अच्छा लगता है मेरे पास प्रैक्टिस करके, उसका इम्प्रूव होता है, इसलिए वो चाहते हैं कि वो बार बार बोलते हैं कि सर मुझे आप ही सिखाओ मुझे। अभी कोई मैराथन के लिए बुलाएगा तो मैं चला जाऊंगा, 20 या कोई भी, 40-50 जो भी, लेकिन अभी तो ऐसा कोई नहीं अपॉर्चुनिटी देगा, तो अभी यह इवेंट ही पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, हमारा जैसे 1500 मीटर ऐसा। उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ हूँ, उन्होंने मुझे स्लम से लेके आके ये किया। मैं वही सोच रहा था कोई इतना बच्चा थे और मुझे को क्यों चुने, और उनका सपना था मैं एक दिन इस बच्चे को ओलंपिक खिलाऊंगा, उनका सपना मैं पूरा करूंगा ओलंपिक, देखते हैं क्या होता है।